हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका बी फॉर्म के लास्ट हेल्पिंग वर्ब्स, वो क्या हैं, विल बी और शैल बी। इससे पहले हमने जो सीखे थे वो थे प्रेजेंट टेंस के इजारेम, पास्ट टेंस के वॉज वर, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्या है, फ्यूचर टेंस का विल बी शैल बी। इसकी कंडीशंस भी कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी फर्स्ट वालों में थी वही आपकी सेम इसमें है। पहली आपकी है फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म या टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आपकी है एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। उसके बाद इन अ पैसिव फॉर्म, इन अ पैसिव फॉर्म, वही तीनों कंडीशंस इसमें भी हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में और एज अ मेन वर्ब के रूप में इन पैसिव फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म के सेंटेंसेस में इनका यूज़ होता है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहला हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, पहला इसका आपका जैसे आपने बोला कि आई शैल बी स्लीपिंग आफ्टर 2 hours, I shall be sleeping after 2 hours, मैं 2 घंटे बाद सो रहा होऊंगा। तो क्या है यहाँ पर, I आपका यूज़ हुआ है, हमने क्या यूज़ किया साथ में इसके, shall be, I shall be, क्यों, क्योंकि हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर sleeping में verb की first form में ing है। इसमें रूल क्या होता है, will be shall be के साथ verb की first form में ing, future continuous में यही इसका फॉर्मूला होता है, विल बी या शैल बी, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म में आई एन जी। भाई देखिए आप इसमें कि आई शैल बी स्लीपिंग में स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी है और साथ में हमारा क्या यूज़ हुआ है, शैल बी, शैल लगाया हमने आई के हिसाब से, आई शैल बी स्लीपिंग। तो ये आपका हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए, यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग कैंडीज एमंग चिल्ड्रन। सपोज आपका सेंटेंस है कि यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग कैंडीज एमंग चिल्ड्रन, तो इसमें क्या है, यू के साथ हमने क्या यूज़ किया, विल बी, है ना, विल बी हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी लगाया डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे हमारा था आई शैल बी स्लीपिंग, ऐसे ही यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स किसके थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म के, जिसमें क्या होगा कि आगे फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, होगा, है, तो उसके लिए हम उसमें हम शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एज अ मेन वर्ब, नेक्स्ट हमारा है एज अ मेन वर्ब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी विल बी शैल बी यूज होंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से फ्यूचर टेंस शो करने के लिए, लेकिन उसमें हमारा मेन वर्ब या डूइंग वर्ड या एक्शन शो नहीं होगा, उसमें नहीं दिया जाएगा, एज अ मेन वर्ब ही वो काम करेगा। जैसे आपने कहा कि आई शैल बी बिजी, आई शैल बी बिजी, है ना। तो अब इसमें क्या है सेंटेंस में, आई के संग हमने शैल बी लगाया है, उसके बाद यहाँ पर कोई आपका बीच में कोई भी आपका इसमें डूइंग वर्ड एक्शन मेन वर्ब नहीं है, नहीं है, देन ये हमारा शैल बी जो है ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा है और ये हमारा फ्यूचर टेंस को भी शो कर रहा है, ये खुद ही मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए किसी भी मेन वर्ब की या एक्शन की हेल्प नहीं की है। ऐसे ही आप इसका बना लीजिए कि ही विल बी quite happy, for example he will be quite happy, वह काफ़ी खुश होगा,
है ना। तो ही विल बी, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, शैली लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो विल बी आ गया ही के साथ विल बी। इसके बाद बीच में कोई भी हमारा मेन वर्ब या एक्शन नहीं यूज़ हो रहा है, देन ये हमारा वर्ड क्या शो कर रहा है एज अ मेन वर्ब, फुल मीनिंग कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस का। ही विल बी क्वाइट हैप्पी। तो ये दोनों सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपके एज अ मेन वर्ब काम कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग अदर एक्शंस या डूइंग वर्ड्स। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है इन अ पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, थर्ड, इन अ पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में एक्टिव से पैसिव बनाने में इसमें भी विल शैल इस टेंस को यानी कि भविष्य को फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम विल शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल सेंटेंस है दे विल, दे विल प्ले क्रिकेट। आपका सेंटेंस है दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट। आपका विल भी आ सकता है और केवल विल भी आपका सेपरेटली यूज हो सकता है। ठीक है, तो दे विल प्ले क्रिकेट, इसको हमने पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, देन हमारा एक्टिव फॉर्म में, किसमें है हमारा ये एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब इसे हमें बनाना है पैसिव में, करेक्ट। अब क्या करेंगे, वही सेम आप लाइए प्रोसीजर यहाँ पर, पहले आप ऑब्जेक्ट लेके आइए कि क्रिकेट, पहले हम ऑब्जेक्ट लाए क्रिकेट, उसके बाद विल है तो हमारा पैसिव में क्या हो जाएगा, विल बी क्रिकेट विल बी, इसको हम रब कर देते हैं अभी, है ना, क्रिकेट विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय, देन लास्ट में क्या आएगा सब्जेक्ट, बाय देम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव था, हमने पैसिव फॉर्म में क्या लगा दिया, विल बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेंटेंस आप देखिए, आई शैल डू माय, आई शैल डू दिस वर्कशीट, ऐसे कर लीजिए आप इसको, आई शैल डू दिस वर्कशीट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए आई शैल क्या शो कर रहा है, शैल लगाया, आई एक्शन शैल यूज करते हैं हम लोग, शैल शो कर रहा है फ्यूचर टेंस, तो आई शैल डू दिस वर्कशीट। दिस वर्कशीट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव बनाइए आप, दिस वर्कशीट को आप स्टार्टिंग में ले आइए कि दिस वर्कशीट अब इसके संग हम शैल नहीं लगाएंगे, हमारा आई में शैल आया है लेकिन हमारी वर्कशीट के संग हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं आई वी, मेन हमारे आई और वी हैं, उनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी ज़्यादातर मोस्टली हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो दिस वर्कशीट शैल का हम विल कर देंगे, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। द वर्कशीट विल बी लगाएंगे क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, द वर्कशीट विल बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, विल बी डन, उसके बाद सब्जेक्ट ले आइए बाय, आई है तो क्या हो जाएगा, बाय आई नहीं करते कभी भी, बाय मी, दिस वर्कशीट विल बी डन बाय मी, आई शैल डू दिस वर्कशीट विल बी डन बाय मी। दिस इज पैसिव, दिस इज एक्टिव, ये आपका पैसिव फॉर्म है, ऐसे ही दिस इज एक्टिव फॉर्म, दिस इज पैसिव फॉर्म, विल बी और शैल बी का यूज़ हो गया इस तरीके से। अब आई होप आपको तीनों कंडीशंस जो इसकी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमने बी फॉर्म को तो क्लियर कर लिया, इसमें इज आर एम का यूज़ प्रेजेंट में, वॉज वर्ब का पास्ट में, विल बी शैल बी का फ्यूचर में, इन तीनों फॉर्म्स को, इन तीनों आपके ये हेल्पिंग वर्ब्स को हमने टेंसेज में कैसे यूज़ करना है, इनका किन कंडीशंस में क्या यूज़ होता है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको भी कोई डाउट अब नहीं होगा, फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करूँ। ओके, बाय बाय।